हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक्चुअली हम शेयर बाजार से रिलेटेड बातें करेंगे, बट इसमें एक पॉइंट आता है कि पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, पेशेंस इज द की टू सक्सेस, इस तरीके के सवाल आते हैं। तो देखिए, इसमें इसका मतलब क्या है, क्या ये इसका अर्थ कोई ना गलत निकाल लेते हैं। आज मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो उसके रिलेटेड भी हम बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप माय चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे, शेयर बाजार से रिलेटेड आपको नॉलेज मिलती रहे। और बाकी कल हमने काफी सारी कंपनीज के रिजल्ट यहाँ पर देखे थे, एज वेल एज यहाँ पर तीन चार वीडियो देखी बनाई थी। तो शेयर हमने जो बनाई थी अच्छे खासे भागते हुए दिखाई दिए। मॉर्फन लैब से रिलेटेड कल एनालिसिस करी थी, तो यहाँ पर आज के दिन में 7-8% भागता हुआ दिखाई दिया था। इट इज जस्ट बिकॉज हमने यहाँ पर स्टडी करके यहाँ पर शेयर को परचेज किया था, ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड था। आज 10% के लगभग यहाँ पर प्रॉफिट विद इन 2 or 3 ट्रेडिंग सेशन में होता हुआ नजर आता है। तो अब आते हैं हम मुद्दे पर, और मुद्दे की बात क्या है कि ये कि पेशेंस इज द की टू सक्सेस, पेशेंस इज द की टू सक्सेस, ओके, पेशेंस इज अ की एलिमेंट ऑफ सक्सेस, मतलब इस तरीके की यहाँ पर बातें होती है। तो इसका शेयर बाजार से अगर लिंक किया जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपको पेशेंस करना है, आपको किस स्टॉक में पेशेंस रखना है, आपको किस स्टॉक में पेशेंस नहीं रखना है, इस तरीके से आपको पहले सोचना पड़ेगा। अब मैं स्टोरी बताता हूँ। आज मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, एक्चुअली कुछ दिन पहले उसने अडानी के स्टॉक लिए थे और वो भी टॉप लेवल पर, ओके। अब क्या हुआ कि आज इस तरीके की न्यूज है, तो उसने कहा पेशेंस इज द की टू सक्सेस। तो मैंने कहा मेरे भाई, पेशेंस इज द की टू सक्सेस फॉर दोज स्टॉक्स जहां पर आपकी गारंटी रिटर्न है, जहां पर रिस्क कम होता है, उसमें नहीं जहां पर आप कुछ भी आप आंख बंद करके भीड़ चाल में कुछ भी आप ले लो, कुछ भी आप खरीद लो, उधर कोई मतलब नहीं रहता। पेशेंस इज द की टू सक्सेस, बट कहां पर एक उसे सोचिए कि कहां पर आपको वो पेशेंस लेना है। वो पेशेंस का मतलब क्या है? पेशेंस का मतलब यहाँ पर शेयर बाजार से है कि आपने अच्छे खासे स्टॉक ले रखे हैं, ओके, और जिनकी एक हिस्ट्री है, ओके, आपको शेयर बाजार में अगर काम नहीं करना आता तो आप पेशेंस देखिए, शेयर बाजार सबको पैसा कमाना सिखाता है, ओके। शेयर बाजार में लोग आते हैं तो पैसा कमा के भी जाते हैं और बहुत सारे लोग पैसा गवा के भी जाते हैं, ओके। एंड दैट माय फ्रेंड जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड उसका भी मतलब गाइड करता रहता है, वो भी यूट्यूब पे, तो वो भी उसे देख आई डोंट वांट टू कमेंट टू एनीवन, बट मैंने उससे भी कहा था कि पहले सीख ले, सीखने के बाद यहाँ पर आ और फिर काम कर तो अच्छा रहेगा, ओके। तो सिंपल कहने का मतलब मेरा क्या है कि बिना सीखे ना तो किसी को राय दो, ओके, और आपको नहीं आता तो बिल्कुल भी राय मत दो, पहली बात। और दूसरी बात, खुद भी आप कर रहे हो तो शेयर बाजार में देखिए पैसा कमाया भी जाता है तो पैसा गवाया भी जाता है। और गवाया कैसे जाता है? गवाया ऐसे ही जाता है कि आप न्यूज देखते हैं, न्यूज में कुछ भी बताते हैं तो आप वो खरीद लेते हैं, आप शेयर कोई भी भाग रहे, से अडानी के शेयर अभी भाग रहे थे तो आप टॉप लेवल पर खरीद के बैठे हुए थे, आप दूसरे शेयर में आप मतलब कुछ भी देखते हो और बिना देखे बिना एनालिसिस करके यहाँ पर आप खरीद लेते हो। अडानी के शेयर मैंने भी खरीदे थे, अडानी गैस खरीदा 350 के आसपास खरीदा था, 1000 पे मैंने बेच दिया था, टू बी वेरी फ्रैंक मेरे को प्रॉफिट हुआ, मैंने बेच दिया। थोड़ा बहुत ही ज्यादा लालच भी बुरा रहता है क्योंकि आपको पता ही है ग्रीड किसी कभी सक्सेस नहीं हो पाते, उससे आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है कछुए की चाल, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यू ऑलवेज नो दैट। तो आपको बताना चाहता हूँ कि पेशेंस द की टू सक्सेस, ऑलवेज राइट बात है, बट आपको पेशेंस कहाँ रखना है? अच्छे स्टॉक्स में रखना है, आपको टाइम देना है, आपको छोटे छोटे शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना। मैं उसे वही कहता हूँ, मेरा फ्रेंड कह रहा था मुझे 10 रुपए वाले स्टॉक बता, मुझे 100 रुपए वाले स्टॉक बता, मैंने 200 रुपए, मैंने उसे इतने अच्छे अच्छे स्टॉक बताए थे, मैंने 350 पे उसे LGBV बताया था जो कि 400 रुपए पे, अभी उसे 2 दिन में 50 रुपए पर शेयर पे प्रॉफिट हो जाता, ओके, मोर देन 10% प्रॉफिट हो जाता, बट नो ही डिडंट कंसीडर मी और ही आस्क मी। मैं कोई पर्सनली किसी को एडवाइस नहीं देता, मैं अपनी वीडियोज बनाता हूँ, ओके, कोई मुझसे पूछता है मैं उसे राय दे देता हूँ, ओके, बट आपको बता देता हूँ कि भाई तेरी खुद की चॉइस है। तो जनाब बैठे हुए थे अच्छे खासे अडानी के टॉप लेवल के प्राइस पे खरीद के, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि भाग रहा है वो शेयर, हमें पता है ना, मार्केट में रहते हैं तो हमें पता है कि भाई क्या चीज भाग रही है, और जो भाग रही है उससे हमें दूर रहना पड़ता है, हमें अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ती है दूसरे शेयर में, हमें स्टडी करनी पड़ती है और स्टडी करके ही हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाकी हार्ड यहाँ पर आप देखिए लेजी पर्सन होते हैं जो, ओके, कभी भी सक्सेस नहीं पाते,
स्टॉक मार्केट में आए हो तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको शेयर ढूंढने पड़ेंगे, आपको ढूंढ के फिर उसके बाद यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और अगर आप हार्ड वर्किंग हो, आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई एम स्टॉप व्हेन आई एम डन, मतलब जब खत्म कर देता हूँ ना तभी रुकता हूँ, जब थका होता हूँ तब नहीं रुकता। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना होगा, हार्ड वर्किंग इसे कहते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। सुबह आप स्टॉक मार्केट में हो तो आपको ढूंढने पड़ते हैं शेयर। आज की डेट में मैंने काफी सारे शेयर बेचे भी है, आज की डेट में मैंने काफी सारे शेयर खरीदे भी है। मैंने आपको आईटी स्टॉक से रिलेटेड बताया भी था कि भाई आईटी स्टॉक में गिरावट आने वाली है और एक आध दो दिन में गिरावट डेफिनेटली आ जाएगी, फिर उसके बाद खरीदेंगे। और अभी आपको बताने जाऊंगा आज की डेट में कि आपको कौन से स्टॉक खरीदने हैं, तो उससे रिलेटेड भी आगे बने रहिएगा हमारी अगली वीडियो में। अभी अगर देखा जाए अडानी के सारे शेयर अगर बात करें, यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट थी, लगभग लगभग 15% गिरे थे, थोड़ी बहुत रिकवरी लास्ट में हो गई, एज वेल एज अडानी इंटरप्राइजेस में थोड़ी सी रिकवरी होगी। बट इससे अभी बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए कि रिकवर हो रहा है हम दोबारा खरीद ले, ऐसा बिल्कुल मत करिए। अडानी पावर लोअर सर्किट, अडानी टोटल गैस लोअर सर्किट, अडानी ट्रांसमिशन लोअर सर्किट, ओके, अडानी ग्रीन एनर्जी, ये तो पॉजिटिव में आ गया, छोड़ो। बट तीन स्टॉक्स में तो यहाँ पर लोअर सर्किट लगा है, तो आपको कहने का मतलब मेरा क्या है कि अभी दूरी बना के रखिए, खरीदने की चेष्टा बिल्कुल मत करिएगा, लोअर सर्किट लग रहा है, सेल आप बेच भी नहीं पाएंगे, खरीद भी नहीं पाएंगे, टू बी खरीद खरीद लोगे बट बेच नहीं पाओगे, इस बात को याद रखिएगा, और फिर ऊपर फंस जाओगे। तो थोड़ा सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की खुद की स्टडी एक करनी चाहिए। आप मार्केट में हो अगर पैसा कमाने के लिए आए हो तो स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात। और बात की जाए यहाँ पर, देखिए अडानी ग्रुप से रिलेटेड कुछ न्यूज थी कि इनके 3 FPIs अकाउंट थे, ओके, तो वो फ्रोजन कर दिए गए हैं NHDL के थ्रू। अगर हम बात करें यहाँ पर अडानी ग्रुप स्टॉक्स, मतलब आज के दिन ही लगभग लगभग $10 बिलियन, ओके, $10 बिलियन एक ही दिन के अंदर अंदर, मतलब एक दिन भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एक घंटे के अंदर अंदर वाइप आउट हो गए। तो इसे कहते हैं कि जिस तरीके से पैसा कमाया भी जाता है ना, उसी तरीके से पैसा चला भी जाता है। बट अब यहाँ पर कुछ और न्यूज भी आ रही है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कौन से 3 अकाउंट है, तो यहाँ पर देख लीजिए NHDL के 3 ने फ्रोजन किया है या नहीं किया है वो पता नहीं, क्योंकि लास्ट में अभी न्यूज भी आ रही थी कि अडानी ग्रुप ने कह भी दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेमुन याद है ये सारी की सारी, इसलिए लास्ट टाइम में ये शेयर भागते हुए दिखाई दिए। एल्बुमा इन्वेस्टमेंट फंड्स, क्रेस्टा फंड्स एंड APMS इन्वेस्टमेंट फंड्स, इन तीनों अकाउंट को फ्रोज कर दिया गया है या नहीं किया गया है, वी डोंट नो अबाउट इट। और वो भी न्यूज है जो ओके, ये जो NHDL ने कर दिया है वो 10 दिन पहले ही कर दिया था, अभी न्यूज आ रही है ऐसा कुछ। और ये तीनों के तीनों जो अकाउंट है, ओके, इन्वेस्टमेंट फंड्स है, ये 43,500 करोड़ रुपीज के वर्थ के यहाँ पर अडानी ग्रुप के यहाँ पर कंपनीज में शेयर होल्डिंग रखते हैं, मतलब इतने शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं। बाकी एक ट्विटर पे भी चला हुआ है, बाकी कल परसों यहाँ पर जर्नलिस्ट सुचेता दलाल, जो कि आपको पता ही है जो 1992 स्कैम से रिलेटेड जो आपने सीरीज देखी भी होगी, हर्षद मेहता के टाइम पे उन्होंने ही एक्सपोज किया था, तो दोबारा ऐसे ही कुछ उन्होंने लिखा भी है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है इस तरीके से शेयर भाग रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो अब होगा या नहीं होगा वो तो वी डोंट नो अबाउट इट, ओके, बट हाँ यहाँ पर देखे तो अच्छा खासा यहाँ पर अडानी के शेयर्स ने, अडानी टोटल गैस ने, मतलब 6 महीने के अंदर 334%, अडानी ट्रांसमिशन 265%, अडानी इंटरप्राइजेज 234%, अडानी पावर ने 198%, अडानी पोर्ट्स ने 73%, अडानी ग्रीन एनर्जी ने 17% के यहाँ पर यहाँ पर 6 महीने की बात हो रही है, बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो अच्छे खासे अडानी ग्रीन ने भी, अडानी पोर्ट ने भी, अडानी पावर ने भी, अडानी एंटरप्राइज ने भी अगर बात की जाए 1.25 साल की, तो बहुत बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए, लोगों ने पैसा भी कमाया है। बट अगर आपने अच्छा खासा पैसा कमाया तो उसे वाइप आउट मत होने दीजिए, उसे निकाल लीजिए, और बाकी अच्छे शेयरों में बने रहिए, अच्छे शेयरों में बन के ही आपका पैसा बनेगा, इस चीज को याद रखिएगा। और पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, की टू सक्सेस फॉर दोज शेयर्स जहाँ पर आप अच्छे खासे आप जानते हैं, आपने स्टडी करके लिए है और आप वेट कर सकते हैं, ऐसे नहीं आपने भेड़ चाल में ले लिया, क्योंकि पहले इंडिया में भेड़ चाल बहुत चलता है, ओके, भेड़ चाल का मतलब क्या है कि एक भेड़ अगर
गिर रही होती है खाई से, तो उसके साथ साथ सारी भेड़े भी गिर जाती है क्योंकि वो उसी को फॉलो करती रहती है। तो वो चीज मत करिए। आप इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा होती है, कब कोई MBA कर रहा है, तो जब मैं पढ़ाई करता था तब MBO लोग बहुत करते थे, इंजीनियरिंग के पीछे लोग बहुत भागते थे, तो वो चीज मत करिए। आपका किसमें इंटरेस्ट है वो चीज करिए, एज वेल एज आप स्टॉक चूज कर रहे हैं तो स्टॉक को पहले स्टडी करिए, उसके बाद करिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी पेशेंस का कुछ मतलब है। आपने अडानी के शेयर ले लिए, जैसे मेरी फ्रेंड ने कहा कि भाई पेशेंस द की, मैंने कहीं खेलते भाई कुछ भी नहीं होगा, पेशेंस द की ठीक है, बट पेशेंस द की फॉर दो शेयर, यहाँ पर आपने स्टडी करी है, यहाँ पर आपको पता है कि 10 साल का व्यू लेके आप उसमें पेशेंस रखोगे तो आप करोड़पति बन जाओगे, उस टाइम में पेशेंस काम आता है। तो यही एक वीडियो थी, इससे रिलेटेड आपको आगाह करना था, आपको बताना था कि एग्जैक्टली मार्केट में होता क्या है, ओके, आपको क्या करना है, पेशेंस इज द की टू सक्सेस का मतलब क्या है एग्जैक्टली, ओके, इसे गलत अर्थ में बिल्कुल मत लीजिए। तो यही सारी चीजें बातें थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरे लोगों को भी कनेक्ट कराइए, और आगे की वीडियोस देख लीजिएगा, काफी बेहतरीन वीडियो आपके सामने आज की डेट में ही पेश करूंगा, और कुछ ब्रेकआउट स्टॉक से की बातें करेंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।